अस्सलाम वालेकुम, मैं उफाद और आज की वीडियो में कंपेयर करने जा रहा हूँ सैमसंग का A51 और हुवावी का Y9A जो कि ऑलमोस्ट एक साल 6-8 महीने पार्ट हैं। नवंबर एंड ऑफ द ईयर 2019 में A51 आया था और अभी कुछ अरसे पहले ही हमारा Y9A आया है हुवावी की तरफ से। तो इसकी मैंने रिव्यू बनाया है Y9A का, तो प्लीज़ उस भी जाके ज़रूर चेक करें और इसी तरीके से हम डायरेक्ट जंप इन करेंगे इन दोनों के कंपैरिजन के ऊपर। शुरुआत करेंगे हम Y9A के डिस्प्ले के साथ जो कि 6.6 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है। 1080p HD डिस्प्ले है, फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन के साथ आपको कोई नॉच नज़र नहीं आ रहा। जबकि हम बात करेंगे A51 की तो उसमें फ्रंट में एक पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर में 6.5 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन है जो कि काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छी है। और हम इसको इंडोर एनवायरनमेंट में दोनों को कंपेयर करते हैं कि आप जैसे देख सकते हैं Y9A का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ब्राइट दे रहा है, रोशनी काफ़ी अच्छी दे रहा है, लेकिन ये फुल ब्राइटनेस के साथ है। तो और जहाँ तक हम और इसके ना मुझे ओवरऑल जब हम बात करते हैं डिस्प्ले की, ये 1080p LCD डिस्प्ले है और जब हम A51 की बात करते हैं तो A51 में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल सकती है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये काफ़ी ब्राइट है। तो जब हम डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो सैमसंग इज़ अ क्लियर विनर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सैमसंग की जो स्क्रीन्स हैं वो इंडोर हो या आउटडोर हो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं डार्क मोड में। और ओवरऑल सैमसंग की मैं स्क्रीन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो यहाँ पे हम सैमसंग को क्लियर विक्ट्री देंगे, क्लियर पॉइंट्स देंगे ओवर हुवावी रिगार्डिंग स्क्रीन। इसी तरह कैमरे की जब बात करते हैं तो 64 मेगापिक्सल का हुवावी में कैमरा दिया हुआ है जबकि सैमसंग A51 में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। तो जब कैमरे की बात करते हैं तो कैमरा वाइज हुवावी के फ़ोन हमेशा अच्छे रहे हैं, लो कैमरा हो या उनका बजट फोन कैमरा हो या उनका मिड रेंज हायर एंड का फ़ोन हो या बिल्कुल इनका फ्लैगशिप फ़ोन का कैमरा हो, हुवावी के कैमरेज पूरे स्मार्टफोन मार्केट में सबसे अच्छे होते हैं। तो इस पर तो कोई डाउट नहीं है, मैं इस वीडियो के आखिर में एक सैम्पल भी वीडियो का लेके दिखाया आप दोनों को, आप लोगों के लिए हुवावी से शूट किया गया और सैमसंग A51 से शूट किया गया कि कौन सा इसमें बेहतर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हुवावी इज़ अ क्लियर विनर इन दैट डिपार्टमेंट। तो अगर अभी देखा जाए तो डिस्प्ले वाइज सैमसंग विंस, लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं बैटरी की या रैम की या रैम मैनेजमेंट की, क्योंकि हुवावी के सारे फ़ोन में 128 GB के साथ 8 GB की रैम आती है और जब हम बात करते हैं A51 की तो वो आपको 6 GB की रैम के साथ सिर्फ आता है। और साथ में जाहिर सी बात है Y9A में 4200mAh बैटरी भी दी गई है, कंपेयर करें उसको सैमसंग के साथ तो उसमें 4000mAh की बैटरी दी गई है। तो जब स्पेक्स की बात करते हैं, स्पेक्स वाइज सिर्फ डिस्प्ले के अलावा हुवावी के पास हर चीज़ के ऊपर एज है और कैमरा वाइज भी काफ़ी अच्छा है। कैमरे के आप सैंपल्स देखेंगे कि काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग्स इसमें आई हैं। जो मैं कैमरे का डब्बी टेस्ट करता हूँ तो मैं हमेशा उसको मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एक बैक कैमरा है जिनका मेन यूज़ कर रहा है ये, मैंने बिल्कुल इसको नॉर्मल रखा हुआ है, ना अल्ट्रा वाइड किया हुआ है ना मैंने इसको जूम किया हुआ है। अभी सब कुछ करूँगा, आपको करके दिखाऊँगा कि इसका कैमरे की परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी कैसी अच्छी है बुरी है। तो ये सारा इसका मेन सेंसर है, ये अल्ट्रा वाइड नहीं है, इसको मैं अल्ट्रा वाइड भी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें इस हुवावी के एज ऑलवेज़ कैमरा मिड रेंज का हो या बजट फ़ोन उसका हो, प्रीमियम फ़ोन्स का हो, कैमरा उनके हमेशा जो आप जितने का फ़ोन लेते हैं वो उनको रिफ्लेक्ट ज़रूर करता है। और ये है A51 का कैमरा, जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरा वाइज अच्छा है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ उसको Y9A के कैमरे से तो वो ज़्यादा बेहतर था, वो ज़्यादा स्टेबल था। उसके कलर्स और इसके कलर्स में फ़र्क आ रहा है, ये थोड़ा सा नेचुरल लुक दे रहा है लेकिन इसका कोई AI फंक्शनलिटी नहीं है इसमें, वो थोड़े से डार्कर कलर्स देता है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है Y9A के कैमरे में। कैमरे से जब मैं कंपेयर करूँगा अगर मैं इस वीडियो से देखा जाए तो दोनों मुझे अच्छी लगी हैं कैमरे डिपार्टमेंट में, क्योंकि Y9 हुवावी के कैमरेज काफ़ी अच्छे हैं, सैमसंग ने अपने मिड रेंज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की हैं। तो ग्रेडिंग स्टेशन में इसको मैं इतना बुरा नहीं बोलूँगा लेकिन Y9A क्लियर विक्ट्री ले जाता है इसमें भी, लेकिन ओवरऑल इसका कैमरा इतना बुरा नहीं है जितना ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैमसंग के कैमरे से। इसी तरीके से इनका ये फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा है, ये भी काफ़ी अच्छा है।
अच्छा, जब इसके फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं, मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लगा है बनस्बत Y9A से, और रिकॉर्डिंग भी इसकी मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है। वाइड एंगल ज़्यादा अच्छा ले रहा है, क्योंकि हुआवे का पॉपअप सेल्फी कैमरा है तो मुझे शायद उसकी वो वीडियो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं लगा था। हुआवे का मैं बैक कैमरे को दूंगा और इसके मैं फ्रंट कैमरे को विक्ट्री में वो दूंगा, ज़्यादा बेहतर पॉइंट रैंकिंग में दूंगा। तो अगर मेरे लिए कोई चीज़ अच्छी है वो है हुआवी, लेकिन जब मैं दोनों को देखा जाऊँगा तो जाहिर सी बात दोनों का अपने मार्केट है, एक में गूगल है एक में गूगल नहीं है। अगर आप गूगल को गुजारा कर सकते हैं तो Y9A इज़ द फ़ोन यू शुड बाय, और आप गुजारा नहीं कर सकते और आपको गूगल की एप्लीकेशन चाहिए तो आपके लिए A51 सबसे अच्छा फ़ोन है। प्राइस डिफरेंस है, लेकिन जब इतना प्राइस डिफरेंस हो 6-7 हज़ार का, तो मुझे लगता है हुआवी का फ़ोन में गूगल की वो एप्लीकेशन डल सकती हैं जो कि इसके फ़ोन में नहीं डल सकती। A51 में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड, या आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो 6 हज़ार के पीछे आप अगर कैमरे पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, रैम और बैटरी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते थे, A51 इज़ अ परफेक्ट फ़ोन फॉर यू। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या इसके डिटेल्ड स्पेक्स वाइज आपको और एप्लीकेशन कंपेरिजन चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।